तन उजला मन मैला बगुले जैसा भेष, इनसे तो कौआ भला बाहर भीतर एक। अर्थात ऐसे संतों से हमेशा बच के रहिए, क्योंकि ऐसे संत आपके समाज के लिए, आपके घर के लिए, आपके संसार के लिए भ्रष्ट साबित होते हैं। देखने में कुछ और हैं, कहने में कुछ और हैं, लेकिन अंतर आत्मा से कुछ और हैं। ऐसे संत लोग हर समय समाज में भ्रष्टता फैलाते हैं, समाज को दूषित कर देते हैं, समाज को गंदा कर देते हैं, क्योंकि अपने लालच में, अपने स्वार्थ में अपने पैसों की भक्ति करते हैं। क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, उन्हें भक्ति से कोई स्वार्थ नहीं है। बस चोला उन्होंने पहन लिया, परमात्मा का चोला धारण कर लिया, बस लगे रहे। ऐसे संतों से अच्छा है कौआ भला, क्योंकि बाहर भी काला है और अंदर भी काला है। क्योंकि वो दूसरों को देखने में समझ में आ जाता है, क्योंकि ये तो अंदर से भी है और बाहर से भी है। ऐसे लोग तो साबित हो जाते हैं, लेकिन बगुला भगत लोग होते हैं वो कभी कोई साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर से वो बहुत ही काले, बहुत ही भ्रष्ट हैं, बहुत ही दरिद्रता रखते हैं। ऐसे लोग समाज को गंदा करते रहते हैं। आप भी संतजनों से अच्छे से जुड़िए, अपने उस परम संत की खोज कीजिए। वो परम तत्वदर्शी संत है, आपको उस परम सत्य की गद्दी तक ले जाएगा, क्योंकि आपको परमात्मा की प्राप्ति और आपके संतजनों को प्राप्ति, आपको असली सत्संग की प्राप्ति कराता है। वही तो सबसे बड़ा संत है। भेष स्वरूप ना जानिया भेष स्वरूप कहाए, अज्ञानता की गोद में बड़े बड़े संत कहाए। क्योंकि इस संसार की अज्ञानता की गोद में अच्छे अच्छे संत समा गए हैं। उनकी इंद्रियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, उनकी इंद्रियां बिल्कुल धराशायी हो चुकी हैं, क्योंकि ये संसार के स्वार्थ में, संसार के द्वेषों में फंसते हुए उस परम शक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहीं बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्मते रहेंगे। क्योंकि ऐसे लोग अपने तो गिरेंगे ही, लेकिन अपने शिष्यों को भी साथ ले जाएंगे। ज्ञान ध्यान इनके बस नहीं है, लोभ लालच सताए, माया ममता से परे ऐसे संत कहाँ हैं। क्योंकि ज्ञान ध्यान इसके बाद की बात नहीं है, क्योंकि इनसे हर समय परे रहता है। वो हर समय भक्ति करते हैं तो लालच में करते हैं, हर समय स्वार्थ में करते हैं। ऐसे लोगों को परम शक्ति का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हर समय उनसे परे रहता है, हर समय उनसे दूर रहता है। क्योंकि ऐसे ज्ञान से मतलब है अपने आप को मूर्खता को प्रकट करना, अपने आपको उस दंदल में धकेलना जिससे निकलना असंभव है। क्योंकि ऐसे स्वरूपों को हर समय रूप बान तो प्रकट करते हैं, लेकिन सत्य लोग हर समय उसमें बैभूल में फंस जाते हैं। ऐसे गुरुओं को अपने आश्रण में लेकर के उस परम शक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो सदा सदा उसी में फंसे रहते हैं। ऐसे दंदल से हर समय बचते रहिए, बगुला भगत से हर समय दूर रहिए। क्योंकि बगुला भगत अपने दिखावा में कुछ और रहता है, अंतर आत्मा में कुछ और रहता है। ज्ञान स्वरूप भेद तस तब विश्वास ठहराए, क्योंकि जो लोग ज्ञान और भेद के स्वरूप को जान लेते हैं, देख लेते हैं, तभी अपने यश को ठहरा पाते हैं, तभी अपने उस रूप को ठहरा पाते हैं जो परम सत्य रूप है। अपने विश्वास को उस जगह ठहराइए जहाँ आपको ठहराने की आवश्यकता है। आप ऐसा गुरु कीजिए जहाँ गुरु ऐसे की आवश्यकता है। आप अनंत खोज कीजिए जहाँ उस अनंत खोज की सीमित को आधार रखता हो। ऐसे परम शक्ति ज्ञानी गुरु की आपको अति आवश्यक है। आप हमेशा सत्य ज्ञान की खोज कीजिए, आप हमेशा सत्संग की खोज कीजिए, आप हमेशा
तत्वदर्शी संत की खोजिए, जिससे आपको परम शक्ति और परमात्मा दोनों की प्राप्ति हो सके, आपका सदा सदा कल्याण हो सके। क्योंकि ये जीवन, ये संसार, ये एक भव सागर है। इस भव सागर से जो लोग निकल जाते हैं, वही तो परम शक्ति ज्ञान में समाहित हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। आप निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए, आपको परम शक्ति और परमात्मा दोनों की प्राप्ति होती रहेगी, आपका सदा कल्याण होगा। सत्य गुरुदेव।